जब भी बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरी की बात चलती है, गर्ल्स के नोज और लिप्स पर ही अटेंशन जाती है। व्हाट अबाउट द मेल स्टार्स? टुडे वी लुक एट द हेयर ट्रेंड्स ऑन मेल स्टार्स इन आफ्टर। वी आर गोइंग टू एक्सपोज सम बाल एंड ब्यूटीफुल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनके सर के बाल झड़ गए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से वो टकले दिखने से बाल बच गए। पता नहीं क्यों बॉलीवुड में लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, जितने भी फिलर्स होते हैं, वो सिर्फ फीमेल स्टार्स और हीरोइंस पर ही क्यों होते हैं। कभी किसी ने ये सोचा है या नोटिस किया है कि हमारे मेल स्टार्स उतने ही कॉन्शियस हैं और उतना कुछ ही अपने चेहरे और बॉडी पे करवाते हैं जितना कि लड़कियाँ। कम से कम लड़कियाँ अपने गंजे टकले सर पे बाल तो नहीं उगवाती हैं। सलमान खान, जिनका करियर ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से उनके बाल भी झड़ते गए। रिपोर्टेडली सलमान खान ने कई बार अपने बालों को बढ़ाने की कोशिश की है, कभी हैवी विंग तो कभी इम्प्लांट, बट नथिंग सीम टू वर्क। कई ट्राइज के बाद फाइनली सलमान ने दुबई में जाकर हेयर ट्रीटमेंट कराया। सलमान के आर्च राइवल रणबीर भी अपेरेंटली हेयर वीविंग प्रोसीजर से गुजर चुके हैं। इनफैक्ट फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान रणबीर के बाल आगे से कम नजर आते हैं, लेकिन प्रोसीजर के बाद तो उनके स्कैल्प पर थिक हरियाली नजर आ रही है। सैफ अली खान, जो पहले चॉकलेट बॉय थे और फिर टकलू होने वाले थे, अपेरेंटली हैड टू गो ऑल द वे टू अमेरिका टू गेट हेयर ट्रांसप्लांट। परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी इस झड़ते बालों की समस्या से नहीं बचे हैं। आमिर ने अपने बालों का इलाज नेदरलैंड्स में जाकर किया। गोविंदा अब 50+ है, पर उन्होंने भी रिपोर्टेडली अपने बालों की वीविंग करा ली है और अब वो 30+ वाले रोल कर रहे हैं। जब देखो लिप जॉब, नोज जॉब, ब्रेस्ट जॉब, सिलिकॉन इम्प्लांट्स की बात चलती रहती है। Who's talking about all the heroes being addicted to fillers, getting cheek implants? हमारे हीरोज तो जब देखो हेयर वीविंग, हेयर वीविंग, हेयर वीविंग। अरे हमारी टेप नहीं अटकी है। एक हीरो इतनी बार हेयर वीविंग अपने सर पर करवाता है तो जाकर उसका गंजापन जाता है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के अगर आप पहले के फोटोज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कपिल के सर पर बाबा जी का ठुल्लू पड़ा था और फिर उन्होंने हेयर वीविंग करा ली, जिसकी वजह से आज वो जवान लग रहे हैं। बिग बी ने भी हेयर वीविंग करा ली है, बट क्यों नहीं? आफ्टर स्टार्स हाफ हिज एज आर ग्रोइंग हेयर, सो व्हाई नॉट बिग बी? पर हमारे हीरोज क्यों ना करवाएं? जैसी हमारी हीरोइंस इतनी सारी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती हैं, वो पाउट करवाती हैं, वो अपनी बॉडी परफेक्ट करवाती हैं, हीरोज क्यों ना करवाएं? सो आवर हीरोज आर आल्सो इन द बिजनेस ऑफ लुकिंग गुड। इट्स शोबिज। वो कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट तो है नहीं है, वो कोई अंकल आंटी का रोल तो कर नहीं रहे हैं कि मोटे हों टकले हों तो सब चलेगा। सीधी बात है, जब मेडिकल साइंस अवेलेबल करती है तो ये लोग तो करेंगे ही।